केवल लाकड़े में दो पाया होती हैं। इस तरह से आज इस अंग्रेजी बोली के मलाकड़े में भी दो पारियां होंगी। पहली पारी में जनाब जानू जर्मन साहब मुराद अली खान साहब से तीन सवाल पूछेगा और मुराद अली खान साहब तीन सवाल के जवाब देगा। उसके बाद मुराद अली खान साहब जानू जर्मन से तीन सवाल पूछेगा और जानू जर्मन तीन सवाल के जवाब देगा। शिवाब दूसरी बारी में जानू जर्मन साहब पहले अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा, उसके बाद मुराद अली खान साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। शिवाब जानू जर्मन साहब पहले आप मुराद अली खान साहब से तीन सवाल पूछो। शिवाब अब बोल अब बोल। साहब बहुत छोटा सा सवाल है जवाब। What do you mean by that? Why? चलेगा चलाओ। I don't understand your question. Where? साहब इतने सोच सोच के सवाल का जवाब देगा? Are you crazy man? ये तो गलत बात है। यार गलत बात है बाबा। गलत बात ये है हमारा जानू जर्मन एक अखंड में सवाल करता है कि जब तुम तुम्हारा सांप फूक निकल निकल के अखों की कतार लगा देते हैं। क्यों गलत है? नहीं खामोशी गलत है। खामोशी खामोशी। ये अखंडों का मुकाबला नहीं है बुरा कान, ये अंग्रेजी बोली का मुकाबला है। इसलिए इस वक्त मैं अमीर हूँ और मैं किसी की तरह पता नहीं करूंगा, इसलिए खामोशी से बैठ जाओ। मुराद अली खान साहब अब आप तीन सवाल पूछो। What is your name? 1, 2, 3, 4 But it is the answer of my question. 4, 5, 6, 8, 8 Please give me a proper answer. 11, 12, 19, 19 साहब मेरी एक बात मानोगे क्या? साहब ठंडे पानी की छींटे मार लो। मिस्टर रमजान यहाँ पर तो ज्यादा ज्यादा हो रही है, मैं तो तब इस मुकाबले का बायकॉट कर देता हूँ, मगर मुसीबत ही है कि मुझे स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने के लिए इन अमीरों की बात मान पड़ी। अच्छा तभी तो बोलता हूँ ना मैं, ये दूध का गिलास पीता हूँ। ओ मिस्टर रमजान तुम मेरा सर निकालो, बैठ जाओ। ओ मिस्टर रमजान अपने साहब को बोलो साथ ही साथ और मिलाए तो मैंने क्या है क्यों नहीं। इस तरह पहली बारी हुई खत्म। अगली बारी में जनाब जानू जर्मन साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। शुभारंभ। Four, five, eight and nine, 99, 112 वाह वाह जानू जर्मन क्या बात है। 12 and 100, 12 and 100 Good morning, good night, good evening. Half my. जनाब मुराद अली खान साहब अब तुम्हारी पारी। साहब ये दूध का गिलास तो पी लो।
अच्छा ठीक है तुम मेरा सर नहीं खाओ, बैठ जाओ बुढ़ा खान। साबर सामने वाला बंदा बड़ा तगड़ा है यार, तुम बैठ जाओ। क्यों दमे ना जानू जर्मन में? हाँ भाई बोलो ना। Few minutes ago, my best friend, Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk and I should be able to fight with this person. Who even know a single word of English? So why do you excuse me on this occasion? That's all. My God, all justice. हम अमीरों ने दोनों की अंग्रेजी बोली बड़ी कान से सुनी और एक एक अक्षर पे ध्यान दिया, दोनों ने अंग्रेजी बोली के दरिया बहा दिए। हम अमीरों ने फैसला कर लिया, फिर भी आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देंगे। देंगे। जनाब मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली उसके अंदर रमजान का अक्षर बोला 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 बोला, बोला। शिवा उसके बाद दूसरा अक्षर गिलास का बोला बोला। क्यों मुराद अली खान साहब बोला गिलास ऑफ मिल्क शिवा। उसके पास तीसरा अक्षर सो का बोला 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 शिवा। इसका मतलब जनाब मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली बोली उसमें तीन अक्षर हमारी बोली के बोले रमजान गिल्ला सही सो का। और जानू जर्मन साहब ने जो अंग्रेजी बोली बोली उसमें एक भी अक्षर हमारी बोली का नहीं बोला। इसका मतलब ये मुकाबला जनाब जानू जर्मन साहब ने